ये दिखाने के लिए आपको रुका था भाई, ये चेक करो कितना प्यारा वाटरफॉल। जिंदगी का हर पल एंजॉय करो, चाहे सामने देख रहे हो ये धान होता है, धान की खेती। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है चसाना से थोड़ी पीछे से। तो भाई अभी मैं जा रहा हूँ चसाना वाली साइड, एंड अभी मैं रुका था कुछ ऐसे का पीछे लगा हुआ तगड़ा वाला काम। मैंने सोचा यार नेक्स्ट व्लॉग की स्टार्टिंग कर देते हैं, जो अभी मिलते हैं। और अभी मेरे लिए रोक दिया है इन्होंने, ये ऊपर से पत्थर इतने बड़े बड़े आए हैं ना, देख रहे हो कितने बड़े बड़े पत्थर पड़े। अभी फटाफट से हम आगे की ओर निकल जाते हैं। अभी यार काफ़ी ज़्यादा भूख लगी है, जल्दी से चलते हैं। भैया इधर होटल वगैरह कहाँ पे होंगे खाने के लिए? हाँ ठीक है, थैंक यू भैया। तो गाइस यार मैं आगे चले गया था, मैं आगे क्या बताऊँ, और थोड़ा सा बाजार बाजार ही ख़त्म हो गया, वो भाई कुत्ता खाया नहीं मेरे। तो गाइस यार यहाँ पे पूछते हैं, भूख लगी है। तो फाइनली गाइस अभी खाना पीना तो हो गया, अभी चलते हैं यहाँ से, ठीक है। अभी काफ़ी दूर जाना है। ओ भाई ये तो काफ़ी गर्म हो रखी है, अभी निकलते हैं यार। धूप इतनी ज़्यादा हो रखी है कि हालत ख़राब होने वाली है आगे। और अभी हम कुछ पीने के लिए ले लेंगे यार, एक ही चाहिए। तो गाइस यार ये पीते हैं, इसको पीने में मज़ा भी आता है यार। बाकी चीज़ें ऐसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं मैं पीता, उसमें ऐसे केमिकल वगैरह होते हैं, तो इससे अच्छा है यार 20 रुपये ज़्यादा दो और अच्छी चीज़ पियो, ठीक है। आपका भाई आज तक कभी रिजोरेबल साइड से कभी नहीं गया, भाई पहली बार जा रहा है। अभी थोड़ी सी आपके भाई को एनर्जी आ चुकी है, पहले मैं बिल्कुल ढीला सा पड़ गया था यार, कुछ मन ही नहीं कर रहा था। अच्छी सी जगह पे साइड पे बैठेंगे, वहाँ पे जाके जूस वगैरह पियेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी गर्मी हो रही है भाई, इस साइड गर्मी है। यहाँ पे नीचे मेरा भूजी का घर है, लेकिन मैं भूजी के घर नहीं गया, यहाँ से बड़ा ज्यादा नीचे उतरना पड़ता है वहाँ पे। लेकिन अभी अपन को लेट हो रहा है, वहाँ पे नीचे तो गर्मी होती है, ठीक है। अभी यहाँ से आगे बुद्धल 19 किलोमीटर है, ठीक है। देखो कितना खुला हो गया, फेंकना कुछ तो। भाई हालत देख रहे हो मेरी क्या बन गई, और बाइक की हालत अभी ये ट्रक आ रहा था इसलिए मैं रुका था साइड पे, और ये देखो भाई क्या बन गया, मतलब पूरा मिट्टी मिट्टी हो रखी है। अब तो मैं पैर ऐसे रहूँ क्योंकि इसको लैग रॉड ही नहीं है, नहीं तो लैग रॉड पे रखता है ऐसे थक जाते हैं। अब नीचे लगाने होंगे तो गिरूंगा पूरा ही गंदा होगा। तो भाई यार अभी मैं ऐसा थोड़ा साइड पे, यार यहाँ पे मिट्टी देख रहे हो ऐसे रेत की तरह पूरी मिट्टी है, सोच रहा हूँ यार यहाँ पे पीते हैं रानी जूस। एक चीज आपको दिखाने वाला हूँ, यहाँ पे मुझे कुछ दिखा है, ऐसी जगह आके और वाटरफॉल ना मिले तो ये तो इम्पॉसिबल सी बात होगी। ये दिखाने के लिए आपको रुका था भाई, ये चेक करो कितना प्यारा वाटरफॉल। ऐसी रोड्स में ना वाटरफॉल वगैरह दिखते रहते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो, वन थंबनेल तो बनता है, रील मेरे को खुद ही बनानी पड़ेगी पत्थर पत्थर रख के। मैंने फोन तो रख दिया, रील क्या बन रही है। वही यार वापस से रुक गए हम, तो यार लाइट भी नहीं है यहाँ पे, मेरा गोप्रो भी डेड होने वाला है, मेरा फोन भी डेड होने वाला है। 1 hour later। तो वही यार अभी मैं कुछ ऐसी का पहुंच गया हूँ सामने, चलते हैं सामने। केड़ी जगह? ये सामने, हाँ बैठ जा। तो के बस आगे हो गया और आगे हो तो गाइस यार अभी हम पहुंच गए हैं प्रॉपर बुद्धल डिग्री कॉलेज है, यहाँ पे बुद्धल का और आर्मी एरिया भी है, ठीक है। तो आपका भाई यहाँ पे पहली बार आया यार, इतने पहाड़ी एरिया के बीच में इतना प्यारा सा, ठीक है चाचा दुआ करिए मेरे लिए, ठीक है मिलेंगे नेक्स्ट टाइम पक्का, ठीक है चाचा आराम ना जाइए। भाई यार मेरे को ऐसे अच्छा लगता है यार, ऐसे बुजुर्ग बंदों से बातचीत करके ना, बोलते है यार आज के टाइम में कोई नहीं सुनता किसी के। बाकी अच्छी जगह यार ये तो, ये कुछ यार मेरे को गोप्रो चार्ज करना, गोप्रो 10% है, फोन भी इतना ही है यार, आगे अगर मिलती कोई तो बंद करते हैं चार्ज। पे है जम्मू 205 किलोमीटर, रजौरी यहाँ से 57 किलोमीटर। भाई रजौरी भी इतना दूर है, मैंने सोचा रजौरी पहुँचने वाले। यहाँ से मेरे को एक प्यारा सा व्यू दिख रहा है भाई, सामने दिख रहे हो ये धान होता है, धान की खेती, और ये बुद्धल की मार्केट है भाई, काफी प्यारी लगी मेरे को, अच्छी लगी यार।
साइड पे ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे गंद वगैरह फेंका बंदों ने, बुद्धल तहसील है ये रजौरी में पड़ता। मैंने अंकल जी से बात की, वो जो मैंने अपने साथ बिठाए थे, मेरे को उनकी भी थोड़ी थोड़ी भाषा आती, क्योंकि भाई मेरे घर के पास जहाँ मैं पहले रहता था दसानू में, वहाँ पे ये रहते हैं। कैमरा वगैरह चार्ज कर पाया तो मैं नेक्स्ट व्लॉग इसके आगे कंटिन्यू करूँ, फिर क्या ही कर सकते हैं अगर बंद हो गया कैमरा तो। अब क्या रोड आ गई यार, मैंने सोचा रजौरी तक वैसी गंदी रोड होगी, बट नहीं, बुद्धल से आगे मेरे को कुछ ऐसी रोड देखने को मिल रही है। जिंदगी का हर पल एंजॉय करो, चाहे दिल में आपके, दिमाग में आपके, जितनी मर्जी फ्रस्ट्रेशन है निकाल दो, कुछ नहीं रखा। घर वालों का प्रेशर, पढ़ाई का प्रेशर, हर चीज का प्रेशर निकाल दो, बस जिस काम में लगे लगे रहो भाई, ऊपर वाला देख रहा। Guys, यार अभी आपका भाई पहुंच गया कुछ ऐसी जगह पे, अभी मंत्रगला में पहुंचने वाला हूँ भाई। ये नाम मैंने पहले सुना क्योंकि मेरे पापा ने यहाँ पे ड्यूटी की थी। मैं यहाँ से आपको व्यू की बात करूँ तो भाई व्यू तो अमेजिंग हो रखा है यार, और यहाँ पे काफी जगह मैंने पूछा हुआ, लेकिन बोल रहे हैं कि भाई लाइट नहीं है। मैं कहीं चार्ज कर पाता हूँ तो आपके लिए आगे व्लॉग, नेक्स्ट व्लॉग देखना भाई। अभी एक भाई मिला था इधर पीछे, वो बोलता मैं भी आ रहा हूँ आगे की ओर, मिलते हैं अगर आगे कहीं चार्ज कर दूँ। एंड गाइस अभी कर लेते हैं अपनी रिसेंट वीडियो के कमेंट्री। आज जो सबसे ज्यादा कमेंट किए वो किए यहाँ पे अपने राशिद भाई ने। राशिद भाई बोल रहे फुल एग्जॉस्ट लगाना भाई भाई को। तो गाइस जैसे ये वाली अपनी सीरीज खत्म होती है देन एग्जॉस्ट डलवाएंगे हम, ठीक है। एंड उसके बाद जो दूसरा कमेंट है वो किया अपना विकास जीत भाई ने, उन्होंने लिखा लव फ्रॉम गोटा। तो थैंक यू ब्रो, ऐसे ही प्यार प्यार कमेंट करते रहो, ठीक। रवि कुमार करके उन्होंने लिखा मैं आपका भाई हूँ, मैं आपको सपोर्ट करता रहूंगा। तो थैंक यू भाई, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। यार आपने देखा इसमें मतलब मेरा कैमरा वगैरह डेड हो गया था, ठीक है। आप भी ऐसे ही प्यार प्यार कमेंट करते रहो कि नेक्स्ट वीडियो में आपको भी शॉर्ट रन मिलता।